ناظرین اس وقت ہم موجود ہیں کچل جیر روڈ پر یہاں پر ہونے والے الیکشن جو کہ بڑا کانٹے دار مقابلہ ہے آج میرا کیمرمین آپ کو دکھا رہا ہوگا کہ دیکھیں یہ ہزاروں کے حساب سے یہاں پر لوگ موٹر سائیکلوں کی ریلی نکالی ہوئی ہے گاڑیوں کی ریلی کاریں ہیں اور پیدل حضرات بھی اور انہوں نے اپنے پلے کارڈ بھی اپنے اٹھائے ہوئے ہیں جس پہ اس کے نعرے عزیزہ ہیں کہ میاں خالد محمود زندہ باد اور جیت کا نشان جو بنیں گے وہ میاں خالد محمود ہی ہوگے ابھی ہم نے کمنٹس بھی آپ میرے کیمرمین آپ نے آپ کو دکھا رہا ہے یہ دیکھ لیں اتنی بڑی ریلی ہے جو کچا جیل روڈ پہ ہے یہ ہر سال دو سال بعد الیکشن ہوتے ہیں اور آج یہ الیکشن ہے جو کہ 28 جنوری کو ہونے والے ہیں اور اس کے مقابل جو ہے نا وہ تین گروپ جو ہے نا بڑے زبردست کانٹے دار مقابلہ ہو رہا ہے یہاں پر یہ میرا کیمرمین آپ کو دکھا رہا ہوگا کہ پیچھے ساری ان کی گاڑیاں جو ہیں یہ میاں خالد محمود کے فیور میں آئی ہوئی ہیں ان کی حمایت میں آئی ہوئی ہیں اور تمام تاجر لوگ یہاں پر آئے ہوئے ہیں جتنی تاجر برادری ہے کچا جیل روڈ کی اور وہ یہ ثابت کر رہے ہیں کہ 28 جنوری کو ہونے والے الیکشن جو ہیں وہ میاں خالد محمود جیتیں گے جن کا انتخابی نشان چاند تارا ہے یہ میرا کیمرمین آپ کو دکھا رہا ہے یہ دیکھیں یہ پوری گاڑیاں جو ہیں نا یہ ساری یہ آج جو انہوں نے ریلی کا انعقاد کیا ہوا ہے مد مقابل تین گروپ ہیں جس میں ایک انتخابی نشان پھول ہے چودھری جاوید اقبال جٹ چاہل صاحب ہیں ان کا قومی تاجر اتحاد گروپ سے ہیں اور دوسرے جو ہیں وہ محمد اشواق ٹیپو صاحب ہیں جن کا انتخابی نشان پھول ہے وہ بھی مقابلے میں ہیں آج ہم آپ کو دکھا رہے ہیں جو ریلی انہوں نے نکالی ہے یہ میرا کیمرمین آپ کو دکھا رہا ہے موجود ہیں میاں خالد محمود جن کا انتخابی نشان چاند تارا ہے آج یہاں پر بہت ہم نے دیکھنے میں آیا ہے کہ پورے کچا جے روڈ پر فلیکسوں کی بھرمار ہے اور یہاں پر بڑا کانٹے دار مقابلہ ہے اور اس وقت موجود ہیں جو انتخابی نشان چاند ہے اور صدارت کے لیے جو امیدوار ہیں میاں خالد محمود جو کہ ہمارے ساتھ موجود شبیر مقبول صاحب بھی موجود ہیں
और अपना मियाँ रियाज साहब भी मौजूद हैं। आइए देखते हैं वो निजाम टीवी को अपना आज क्या माशाल्लाह अपनी रैली के पूरी रैली के साथ यहाँ पर आए, बड़ा जोश खरोश देखा गया है। और मैं तो आज हैरान हूँ, मैंने पहली मरतबा ये देखा कि कच्चा जे रोड पर इतना ज़बरदस्त कांटेदार मुकाबला होता है, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, इंशाल्लाह 28 जनवरी को जो है ना खालिद साहब खिदमत ग्रुप बाड़ी अक्सरियत से ये इलेक्शन जीतेगा। और आज ही अवाम ने फैसला दे दिया है कि 28 को चांद सितारे की जीत यकीनी है, ये बदल नहीं सकता कोई भी, क्योंकि अवाम की खिदमत की है और बेलोस खिदमत की है। और दुकानदार समझते हैं कि उनकी खिदमत कौन कर रहा है और दिहाड़ीबाज कौन है। इंशाल्लाह 28 को उन्होंने मुस्तरद कर देना है, जितने नौसरबाज दिहाड़ीबाज जो इकट्ठे हो गए हैं उनको 28 को छुपने को जगह नहीं मिलेगी इंशाल्लाह। जी वो तो बिल्कुल आपने बिल्कुल कहा, बिल्कुल मैं बिल्कुल आपकी बात की तायद करता हूं, क्योंकि आप भी इलेक्ट होकर आए हैं, आप भी माशाल्लाह इलेक्शन होता है आपके भी मार्केट में और आप भी हर दफ़ा इलेक्शन जीत कर आते हैं। और मियां रियाज साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, वो भी देखते हैं आज हमें क्या पैगाम देते। जी मियां, ऐसा है जी कि अल्हम्दुलिल्लाह इलेक्शन की तैयारियाँ अरूज पर हैं और हमारे मुद्दतों से साथी जनाब मियाँ खालिद महमूद साहब, हम उन्हीं के साथ इजहार यकजहती के लिए यहाँ जमा हुए हैं और आज हमारी रैली है। और पिछले 6 साल से 8 साल से जो है मियाँ खालिद साहब कच्चा जेल रोड चुंगी अमर सद्दू की खिदमत कर रहे हैं और ताजरों की इन्होंने भरपूर खिदमत की है और इसी बुनियाद पर ये जो इलेक्शन है ये लड़ रहे हैं। ये इलेक्शन जो है इंशाल्लाह भरपूर तरीके से कामयाबी होगी हमें, और हम जो है हमेशा से जो है ना इकट्ठे चलते हैं और एक दूसरे के साथ मिलजुल कर कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं। और अल्लाह ने चाहा तो चुंगी अमर सद्दू बोर्ड में ये जो हमारी हरावल दस्ता है चुंगी अमर सद्दू बोर्ड का कच्चा जेल रोड का, ये पहले भी ताजरों की खिदमत कर रहा था, अब भी करता रहेगा। और 28 जनवरी बरोज़ मंगल इलेक्शन डे है, अल्लाह ने चाहा तो बड़ी लीड के साथ जो है वो कामयाब होंगे हम। और यहाँ पर जो कुछ नाम निहाद जो है वो लोग इलेक्शन लड़ने के लिए आए हैं जिन्होंने आज तक ताजरों की कोई खिदमत नहीं की, बल्कि मैंने यहाँ तक सुना है कि मस्जिद के फंड भी खाए गए हैं, वो लोग भी इस वक्त खड़े हैं इलेक्शन में। अफसोस की बात है, ऐसे लोग खड़े हैं जिन्होंने मस्जिद के फंड तक खा लिए हैं, वो आवाम की क्या खिदमत करेंगे? मियाँ खालिद ने हमेशा अपनी जेब से पैसे खर्च किए हैं, हम सब ने अपनी जेब से पैसे खर्च करके चुंगी अमर सद्दू को हमेशा हाईलाइट किया है और यहाँ के मसाइल हल किए हैं। और अल्लाह ने चाहा तो हमारे भाई खालिद साहब भरपूर तरीके से और बड़ी लीड के साथ कामयाब होंगे इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं शुक्रिया अदा करता सारे दोस्तों जिन्होंने आके मेरी इज्जत बख्शी और मैं इंशाल्लाह जे रोड की तकरीबन 7-8 साल से खिदमत कर रहे हैं। ये जितने ताजर भाई हैं मेरे भाई हैं मेरे दोस्त हैं, हम इंशाल्लाह शनम शनान के साथ रहेंगे, पहले भी खिदमत की अब भी करेंगे इंशाल्लाह। और हमने ये जे रोड के बड़े सारे मसाइल थे जो सीधे किए हैं, आइंदा इंशाल्लाह जो रह गए हैं वो उसके बारे में तवज्जो है हमारी, अल्लाह हमें कामयाबी दे इंशाल्लाह, सारे काम ओके होंगे। और मैं सब दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ अल्लाह। जी हमारे दरम्यान मौजूद हैं हाजी इकबाल दरवेश साहब, आइए उनसे जानते हैं कि वो निज़ाम टीवी को अपना क्या पैगाम देते हैं। अपने रैली के तमाम दोस्तों को और खालिद साहब को अपने तमाम दोस्तों के साथ आए हूँ मिलने के लिए। और यहाँ आकर मैंने ये देखा है कि जैसे आज इलेक्शन है और खालिद साहब की फतेह है, जितनी दुनिया यहाँ पर है और ये सब जानते हैं कि 6-7 साल से 8 साल से खालिद साहब यहाँ पे खिदमत कर रहे हैं ताजरों की। और इसकी एक वाजिया मिसाल ये है कि ये कच्चा जो जेल रोड था सब जानते हैं और ये पक्का जेल रोड इन्हीं के दौर में बना है, इन्हीं की काविश से बना है ये पक्का जेल रोड। और आज जो यहाँ पे जो लाइटिंग हुई हुई है, जो ताजर बेखौफ काम कर रहे हैं, उसमें भी ये खालिद साहब का बहुत बड़ा हाथ है। और खालिद साहब ने हमेशा छोटा ताजर हो या बड़ा सबको बराबर समझा है और सबके मसाइल सुने हैं, और ये इसकी मिसाल है जो आज लोग बाहर खड़े हुए हैं। मियाँ रियाज साहब रैली लेके आए, फयाज साहब हैं और यासीन जट साहब हैं और शबीर मकबूल साहब जो काफ़ी मकबूल हैं सब जानते हैं। और ये है कि इंशाल्लाह 28 जनवरी जो है वो खालिद साहब की फ़तेह का दिन होगा, वो हक़ की फ़तेह का दिन होगा। लोग क्या कर रहे हैं, बात यह है कि खालिद साहब काम के लिए आते हैं, लोग यहाँ पे इलेक्शन के लिए इसलिए आए कि हमारा कहीं किसी तरह कुछ नाम हो। खालिद साहब ये नहीं सोचते कि मेरा नाम हो, नाम तो है उनका, वो कहते हैं कि मैं काम करूं और काम हो।
मेरे लिए आप लोगों के लिए इतने का और निज़ाम टीवी वालों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने हमें याद किया। ये तमाम ने अपने अपने ख्यालात का इजहार किया जिसमें मियाँ रियाज साहब थे और शबीर मकबूल, मियाँ खालिद महमूद साहब, जिन्होंने अपने अपने ख्यालात का इजहार किया और ख़ास तौर पे इन्होंने और ताजर बरादरी ने ये साबित कर दिया। आज का दिन हमने देखा है जो जिस वलवले के साथ यहाँ पर आए हुए हैं और जिस रैली को इन्होंने खूबसूरत बनाने के लिए, बहुत बड़ी रैली है जिसमें गाड़ियाँ भी हैं, लोग मोटरसाइकिलों पर भी आए हैं और पैदल भी हैं और उन्होंने अपने अपने प्ले कार्ड उठाए हुए हैं जिसके ऊपर लिखा हुआ था, नारे लिखे हुए हैं मियाँ खालिद महमूद के हवाले से कि मियाँ खालिद महमूद इंशाल्लाह 28 जनवरी को 2020-2022 के जो होने वाले हैं इंशाल्लाह वो जीत का निशान होगा। कैमरामैन मोहम्मद दानिश कैमरा, हाजी मोहम्मद सईद, निजाम टीवी लाहौर। यूनस मोबाइल होलसेल डीलर, ऑल मोबाइल ब्रांड्स अवेलेबल, 25 इयर्स ऑफ ट्रस्ट, एड्रेस 29 मेन हॉल रोड लाहौर, फोन 04237244485, फेस गुलबर्ग लाहौर, फोन 04235756613 एंड 14। कॉमर्स और टेक्निकल बुक्स के बानी अजीम ग्रुप ऑफ पब्लिकेशंस 1988 से कायम शुदा, पाकिस्तान और दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में अजीम ग्रुप की किताबें टेक्स्ट बुक के तौर पर पढ़ाई जाती हैं। उर्दू बाजार लाहौर, फोन नंबर 9242372314।